मुख्यमंत्री जी को ऐसी बात करने का शोभा नहीं देती। कुलदीप जी के बारे में ये कहे, ये एक अनुभवी नेता है, दो बार लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट बने, तीन बार एमएलए बने, और खट्टर साहब तो पहली बार एमएलए बने हैं, मुख्यमंत्री भी कुलदीप जी के वजह से बने। जो भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेता आए, जब गठबंधन था कुलदीप जी का और भारतीय जनता पार्टी का, छोटे से लेके मोदी जी तक कुलदीप जी को हर स्टेज पर ही कह के गए कि जब ये सरकार आएगी 2.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कुलदीप जी रहेंगे। और खट्टर साहब ये कहते हैं अनुभवी नेता है। अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सीएम साहब ने यह भी कहा कि कुलदीप बिश्नोई भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनना नहीं देना चाहते थे, इसको लेकर जैसे कि आदमी झूठ, तो इतनी झूठ बोले। मुख्यमंत्री जी को थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कब समझौता हुआ था। चौधरी भजनलाल जी के देहांत के बाद ये समझौता हुआ, और चौधरी भजनलाल जी कभी नहीं चाहते थे, हमें पता, चौधरी भजनलाल जी कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी से कोई समझौता हो, और हमेशा ये क्या करते हैं हमें कि ये धोखाबाज पार्टी है। तो ये सिर्फ इतना आदमपुर में आके लोगों को गुमराह करने की बात है। चौधरी भजनलाल जी ने बार बार ये क्या करते कि ये हमेशा इन्होंने धोखा दिया, चाहे हरियाणा में बंसीलाल हो, चाहे चौधरी देवीलाल हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला, सबको इन्होंने धोखा दिया है। ये पार्टी हमेशा धोखाबाज पार्टी रही है। और मैं बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी भाई कुलदीप जी की वजह से आई है, यानी कभी भी 4 और 6 सीट से ऊपर सीटें नहीं आई थी। भाई कुलदीप जी समझौते के बाद सारे हरियाणा में 6 महीने सड़कों पर रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब कहाँ थे, खट्टर साहब जब कहाँ थे, हरियाणा में खट्टर साहब का कोई नाम था उस टाइम? सब भी भाई कुलदीप जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें आई। पता चल जाएगा जब इलेक्शन आएगा कि क्या पोजीशन भारतीय जनता पार्टी की है। खट्टर साहब तो अपना नया हल्का तलाश करने में घूम रहे हैं। जिस तरह मुख्यमंत्री जी कभी भी फतेहाबाद में आए हैं, पहले भी आए, क्या देखे गए? पहले उन्होंने दरबार लगाया, कुछ नहीं देखे। अब आए सिर्फ 10-15 मिनट, वहाँ गाना बजाना सुन के चले गए। तो मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, ऐसे मुख्यमंत्री कभी हरियाणा में, चाहे फतेहाबाद की बात लीजिए, आदमपुर की बात लीजिए, कभी भी ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा को नहीं मिलेगा, ना मिला है। और बात में बार बार ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने जो कुलदीप जी के बारे में कहा, ये अच्छी बात नहीं कही। कुलदीप जी, इनको आज कुलदीप जी से खतरा है। आदमपुर में आके इस तरह की टिप्पणी करना, इनको एक ही सोच है कि पहले कुलदीप जी ने तुम्हें सत्ता में लाए और आज कुलदीप जी ही तुम्हें इस कुर्सी से उठाएंगे। हमेशा बताना चाहता हूँ, इंदिरा जी का, राजीव जी का हमेशा सहयोग चौधरी भजनलाल जी को पूरा रहा, और आगे अब राहुल जी का पूरा सहयोग कुलदीप जी को रहेगा, और कुलदीप जी हरियाणा की प्रदेश के लोगों की सेवा करेंगे। इनको इस बात का पता है, जब इस तरह की छोटी बात, गलत बात आके आदमपुर में इस तरह गलत बात करते हैं। सीएम साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए कुलदीप बिश्नोई से? बिल्कुल, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, निजी तौर पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। एक मुख्यमंत्री की अहदा बहुत बड़ा अहदा होता है, जुम्मेवारी से बयान देना चाहिए उनको। राजनीति बात हो तो उनको राजनीति बात करनी चाहिए, लेकिन निजी किसी बारे में ऐसी बात कहे, ये बेटा ठीक नहीं है, अच्छा है, खट्टर साहब को क्या पता परिवार क्या होता है? इसका परिवार नहीं है, उसको कोई पता नहीं होता, पर अच्छा क्या होता है, गलत क्या होता है। खट्टर साहब ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।